हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम लोग बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में। और लास्ट क्लास में बच्चों हमने अपना अध्याय 15 जो कि था हमारा ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसको हमने स्टार्ट कर लिए थे। बच्चों, पार्ट नंबर 1 के वीडियो में मैंने आपको बैलेंस से संबंधित 4 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। आज की इस क्लास में आपको शंकु से संबंधित 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाला हूं। तो बिल्कुल बच्चों, आ जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए और आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए। तो बच्चों, हमारा जो मिशन चल रहा था बच्चों, उस मिशन का नाम क्या है? सर, इसका नाम है छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका नाम क्या है? अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और यह होने वाला आज की इस क्लास में हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ने वाले, भाग 2 के बारे में पढ़ने वाले, जहां पर मैं आज आपको शंकु से संबंधित 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाला, ठीक है? चलिए हम आज की इस क्लास को स्टार्ट कर देखें। तो बच्चों, डायरेक्टली क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा जो आगे के आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो ये रहा आपका फॉर्मूले का पिटारा जो कि खुल चुका है। देखो, चलिए अब इसको पढ़ते। देखो बच्चों, शंकु हमारा कुछ इस शेप में बनता है। क्या बनता है? ये देखो, हमारा शंकु का शेप बन रहा है, जिसे हम इंग्लिश में कोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। अब ये कोन जो है, वो जो आप लोग आइसक्रीम खाते हो ना, ये उसी की तरह, एक्चुअली ये वही है जो आप आइसक्रीम खाते हो ना, ये वही है जिसमें आप आइसक्रीम को भरते हो, खाते हो, अच्छे से बचाव खाते हो, वो उसी को हम क्या कहते हैं? कोन कहते हैं, शंकु कहते हैं हिंदी में, जिसे बिल्कुल। अब यहां पर आप एक बात नोटिस करना कि सर, इसका जो आधार होता है ना, इसका जो आधार होता है वो वृत्त के शेप का होता है। कैसा बच्चों? वृत्त के शेप का होता है, बिल्कुल। इससे पहले हमने बेलन में भी पढ़ा था कि उसका बेलन का जो आधार है वो भी आधार और ऊपर दोनों क्या होते हैं? वृत्त के शेप में होते हैं। बिल्कुल, सबने इसको समझ लिया। अब देखो, यहां पर कुछ फॉर्मूले लिखे गए हैं, अब इसको हम समझते हैं। उससे पहले एक चीज और यहां पर देख लो। देखो क्या चीज कि सर, यहां पर अगर मैं हाइट बोलूं इस शंकु की हाइट क्या होगी? तो यहां पर देखो, शंकु की हाइट होने वाली है। देखो, ये हो चुकी सर शंकु की हाइट, बिल्कुल। चलो, हाइट को हमने सर एच से प्रदर्शित किया। किससे? हाइट को सर हमने एच से प्रदर्शित किया, ठीक है। अब देखो, यहां पर देखो, ये है आधार की त्रिज्या। क्या बच्चों? ये है आधार की त्रिज्या, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट कर दिए। सर, इसके लिए हमें क्या क्या फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? बिल्कुल, अब देखते हैं अपने फॉर्मूले को। आ जाओ, देखो, तो सबसे पहले नंबर में दिया गया शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बच्चों का कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो गया। सर, अभी तो हमने बेलन का, पिछले वाले क्लास में बेलन का वक्र पृष्ठ निकाले थे। तो बच्चों, मैं बेलन आपको, फिर शंकु, फिर मैं आपको गोला, तीन सॉलिड शेप के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जहां पर मैं आपको 3 नंबर और 4 नंबर के बारे में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो तीनों में हम वक्र पृष्ठ निकालने वाले हैं। तो बिल्कुल फॉर्मूले को एक चार्ट के रूप में, एक पेज में अच्छे से लिख लेना, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो, तो सर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो सर, हम इसको निकालेंगे पाई आर एल। कैसे निकालेंगे बच्चों? पाई आर एल से निकालेंगे। सर, यहां पर तो पाई समझ में आ गया कि पाई जो है वो 22/7 होता है। आर भी समझ में आ गया कि सर, जो आर है वो इस शंकु का क्या है? रेडियस है, त्रिज्या। बिल्कुल समझ गया। सर, यहां पर ये एल एक नया चीज दिख रही है। एल क्या है? अब यहां पर एल को समझना। सर, यहां पर ये एल क्या होगा? तो एल ने जो बच्चों, एल जो है वो आपका तिर्यक ऊंचाई है। क्या बच्चों? तिर्यक ऊंचाई होने वाला है, जिसे हम स्लैंट हाइट भी बोलते हैं, इंग्लिश में स्लैंट हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर जो आपको ये तिर्यक ऊंचाई दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ये देख लो, मैं इसको लाल कलर से, चलो गुलाबी कलर से अच्छे से और बता के दिखा दिया। ये क्या है? हमारा तिर्यक ऊंचाई एल है, जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल, यहां पर ध्यान रखना, हम इसको L से प्रदर्शित करते हैं, स्लैंट हाइट जिसे हम बोलते हैं। बिल्कुल सर, L को हमने समझ लिया। चलो, और क्या चीज समझना बाकी है? तो बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर एल। अब अगर आप लोगों को पूछ ले कि सर, हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखो, पाई आर इसमें भी था, इसमें भी पाई आर था, ठीक है।
एल के बाद देखो, एल के बाद यहां पर ब्रैकेट में क्या लगा हुआ, आर प्लस एल है, क्या है, आर प्लस एल है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल हो जाएगा। बिल्कुल सर। अब शंकु का आयतन पूछ ले तो सर शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, तो एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच, क्या, एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा सर शंकु का आयतन। बिल्कुल। अब यहां पर अगर हमें शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात करना है तो शंकु की त्रियक ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बच्चों फॉर्मूला के बाद देखो फॉर्मूला कहां से आया, चलो मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर ना आपको ना एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, देखो यहां पर मैंने जो काले कलर से बनाया है वो समकोण त्रिभुज है, और सर हमें पता है कि यहां पर ना ये यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा, ये यहां पर देखो एक सेकंड ना आ जाओ, ये यहां पर 90 अंश का कोण बना, और 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को हम सर कहते हैं कर्णा, क्या कहते हैं बच्चों, कर्णा कहते हैं। अब मान लेते हैं कि अज्ञात कोण यहां पर बना हुआ जिसे हमने थीटा से प्रदर्शित किया, तो थीटा के सामने वाली भुजा को बच्चों हमने बोल दिया लंब, बोल दिया क्या, बोल दिया लंब, बोल दिया। अब ये आर जो है वो आपका क्या हो चुका, आधार हो चुका, क्या हो चुका बच्चों, ये सर हो चुका आधार। तो मैं क्या करूंगा इस त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, और ये स्लैंट हाइट जो त्रियक ऊंचाई है ना इसकी हाइट ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है सर, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय को हमने एक अध्याय में प्रूव भी किया हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सर मुझे यहां पर एल का मान निकालना है, तो यानी कि अगर मैं यहां पर पाइथागोरस अप्लाई कर दूंगा तो क्या होता है कर्ण का वर्ग। अब ये कर्ण क्या है, यहां पर देखो ये कर्ण सर एल स्क्वायर, क्या है, एल स्क्वायर। कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब कौन कौन से दो भुजा बच चुके सर, ये आधार बच चुका है और ये हाइट बच चुका है, यानी कि लंब बच चुका, ठीक है। चलो तो पहले मैंने यहां पर इसको रख लिया, किसको, लंब को रख लिया, तो लंब का वर्ग यानी कि एच का वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये एच का वर्ग हो चुका। फिर प्लस आधार का वर्ग, आधार आपको दिखेगा यहां पर आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब आपको त्रियक ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या क्या है, अगर हमें एल का मान ज्ञात करना है और मुझे यहां पर एल स्क्वायर का मान दिया गया है, तो मैं स्क्वायर को, मुझे जब भी स्क्वायर को हटाना होता है तो मैं दोनों पक्षों में वर्ग मूल ले लेता हूं। इससे फायदा क्या मिलता है कि आने वाला जो वर्ग मूल है और ये पहले से बैठा हुआ वर्ग, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो डायरेक्टली हमें यहां पर मिलता है एल बराबर, इस तरफ भी वर्ग मूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का सर ये हो चुका आर स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि क्योंकि इसी फॉर्मूले को एक बार ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, जब मैं एक नंबर वाले क्वेश्चन की तैयारी करूंगा उस टाइम इस फॉर्मूले को कब पूछा गया था मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला एक्चुअली ये तो है ही फॉर्मूला, है तो एक ही फॉर्मूला, लेकिन आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है सर। हमने यहां पर बाकी सभी चीजों को देख लिया, देखो यहां पर निकाला भी है कि शंकु की त्रियक ऊंचाई एल बराबर, फिर क्या था वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था। मैं ज्यादातर ना बच्चों, मैं ज्यादातर इस वाले फॉर्मूले का यूज करता हूं, किसका, इसका यूज करता हूं, बिल्कुल ठीक है। चलो इसका भी यूज करेंगे भाई, सेम ही है, दो सेम ही है ना। चलो आ जाओ, चलो सर हमने सब फॉर्मूले को देख लिया, अब बढ़ना चाहेंगे अपने क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका पहला नंबर का क्वेश्चन जो कि संबंधित होने वाला है शंकु से, कौन से, आ जाओ, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने बोर्ड को ना दो भागों में बांट दूंगा, देखो देखो ये ला बांट दिया, आ जाओ। चलो चलो एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या दिया है सर और हमें क्या निकालना है, बिल्कुल आ जाओ। तो यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया गया, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है सर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था पाई आर एल, क्या पढ़ा बच्चों, पाई आर एल, यानी कि पाई आर एल का मान दे दिया गया है 77 पाई, क्या दे दिया गया बच्चों, 77 पाई दे दिया गया, ठीक है सर, यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी, ठीक है। तथा उसके आधार का व्यास, व्यास बात आ गई है व्यास की, और हमें पता है कि सर हमें जो पता है कि शंकु का आधार होता है वो कौन से शेप में दिख रहा है, आपको कौन सी आकृति में दिख रहा है, वृत्त के आकृति में दिख रहा है, और वृत्त में हमें पता है कि त्रिज्या और व्यास में एक रिलेशन बनता है, जिसको मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि व्यास जो होती है बच्चों वो त्रिज्या की क्या होती है, सॉरी दो गुनी होती है, त्रिज्या की दो गुनी होती है, व्यास जो होती है वो त्रिज्या की दो गुनी होती है, यानी कि व्यास का मान दिया गया मतलब कि त्रिज्या का दोगुना मान दिया गया जो कि 14 सेंटीमीटर है। अगर यहां से मैं आर का मान निकाल लूंगा 7 सेंटीमीटर तो कोई दिक्कत होने वाली क्या, बिल्कुल सर दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलो अभी मैं बस को ओरल समझा रहा हूं, ओरल इसको सॉल्व करके पूरा सिस्टमेटिक ढंग से लिखने वाले अच्छा से।
हो तो उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, हमें एच का मान निकालना है। किसका बच्चों? एच का मान निकालना है। तो सर मुझे यहां से आर का मान पता चल चुका है, अगर आर का मान, अगर मैं आर का मान यहां पर रख दूंगा तो मुझे सर एल का मान भी पता चल जाएगा। किसका? एल का मान भी पता चल जाएगा और हमें निकालना है ऊंचाई। तो बच्चों हम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले? देखो मैं तिर्यक ऊंचाई वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। यहां पर मुझे एल का मान मिल जाएगा। एल का मान कैसे मिलेगा? एल का मान हमें यहां से मिल जाएगा क्योंकि मैं आर का मान यहां पर चिपकाऊंगा 7 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे एल का मान मिल जाएगा। सर मुझे यहां से आर का मान भी मिल चुका है क्योंकि आर का मान देखो ना, आर के मान हमने यहां पर निकाला है। सर मुझे तो एच का मान निकालना था ना, तो एच बच चुका है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करने वाला हूं। किसका? इस वाले फॉर्मूले का मैं यूज करने वाला। बिल्कुल बच्चों यहां तक हमने कहानी अच्छे से ओरल तरीके से भी समझाया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मुद्दा यह है कि सर इसको सॉल्व कैसे करें। आ जाओ देख लो। तो सबसे पहले यहां पर लिखो हल, ठीक है? अब यहां पर क्या लिखोगे? दिया है। क्या क्या दिया है? तो थोड़ा सा यहां पर रुको और सोचो 2 सेकंड के लिए, ठीक है? अगर मैं पहले इसको लिख दिया कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर बराबर 77 पाई दिया हुआ है, लेकिन यहां पर तो एल का मान पता नहीं है, आर का मान भी पता नहीं है, जबकि मुझे यहां से आर का मान पता चल सकता है। तो मैं सबसे पहले इसको लिखूंगा, यानी कि शंकु के आधार का व्यास को पहले लिखूंगा, वहां से मुझे आर मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा कर लेते सर। देखो तो दिया है शंकु के, लिखेंगे शंकु के आधार आधार का व्यास बराबर, व्यास बराबर क्या दिया बच्चों? ये दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। सर 14 सेंटीमीटर हमें व्यास व्यास जो है वो दिया गया था। तो व्यास और त्रिज्या में रिलेशन बनता है क्या? बिल्कुल सर बनता है। क्या बनता है? कि व्यास जो होती है वो त्रिज्या की 2 गुनी होती है। बिल्कुल चिपका। तो सर यहां पर ये हो चुका 2r = 14 हो चुका, 2r = 14 हो चुका। सर 2 × 1 = 2 और यहां से 7 बार में निपट जाएगा, 2 × 7 = 14। तो आर बराबर देख क्या रहे हो, 7 सेंटीमीटर निकालो ना, 7 सेंटीमीटर सर हमने निकाल लिया। त्रिज्या आर बराबर क्या निकाल लिया? 7 सेंटीमीटर सर हमने अच्छे से निकाल लिया। फिर हमें दिया गया था शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बिल्कुल आ जाओ तो यहां पर लिखेंगे तथा तथा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया? देखो तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर देखो हमें दिया गया बच्चों 77 पाई। क्या दिया गया? 77 पाई दिया गया। बिल्कुल सर हमने इसको यहां तक के समझ लिया। सर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो पाई आर एल होता है ना, बिल्कुल बच्चों पाई आर एल होता है बराबर, ये हो चुका सर 77 पाई। क्या हो चुका बच्चों? 77 पाई हो चुका। यहां पर सर पाई है, यहां पर भी पाई है, दोनों को निपटा दो क्या? बिल्कुल निपटा दो। सर आर का मान तो हमने निकाल लिया, आर का मान रख दो क्या? आर का मान क्या है? 7 है। बिल्कुल रख दो, 7 गुना ये हो जाएगा एल बराबर। बराबर के बाद क्या सर? यहां पर 77 दिया है, एल के साथ जो 7 गुणा में वो सर जाएगा भाग में, तो 77 बटा ये हो जाएगा 7। तो 7 × 7 = 7 × 7 = 11 बार में जाएगा, तो 11 × 7 हो जाएगा 77, यानी कि L बराबर सर हमें मिल चुका L = 11 सेंटीमीटर मिले। L बराबर सर तिर्यक ऊंचाई हमें मिल चुका है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें मिल चुकी है। सर ये क्या दिया है? सर हमें मिल चुका है 11 सेंटीमीटर मिल चुका है। बिल्कुल सर हमने यहां तक की कहानी को एकदम अच्छे तरीके से बहुत खूबसूरत अंदाज में सीख लिया, समझ लिया। चलो चलो हमें निकालना क्या? ऊंचाई निकालना। तो मैंने आपको बताकर रखा कि हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करने वाले और वहां से शंकु की तिर्यक ऊंचाई, सॉरी यहां से ऊंचाई को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है? तिर्यक ऊंचाई एल को, एल का मान हमें पता चल चुका है, आर का मान पता चल चुका है, तो हम हाइट ज्ञात कर लेंगे। बिल्कुल सर ज्ञात कर लेंगे। अतः आ जाओ तो यहां पर मैं लिखूंगा अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई। बिल्कुल अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई ठीक है बराबर। देखो बच्चों मैंने बोला था हमेशा कि मैं इस वाले फॉर्मूले का ज्यादातर यूज करूंगा, किसका? पहले वाला का। तो क्या होता है तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला बच्चों? ये होता है सर एल स्क्वायर बराबर ये होता है एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। बिल्कुल सर ये होता है, ठीक है? एल का मान तो हमें मालूम है 11, तो 11 का वर्ग करेंगे तो डायरेक्टली मान लिख दिया 121। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत होने वाली? क्या कोई दिक्कत नहीं होगी सर? 11 क्यों? क्योंकि 11 का हम करेंगे वर्ग, तो 11 का गुणा 11 से होगा, तो 121 आ चुका। बिल्कुल
बराबर सर एच का मान तो निकालना, तो एच स्क्वायर ये लिखाएगा। अब आर का मान क्या रखें, तो बच्चों आर का मान कहा गया, आर का मान देखो, आर का मान कहा गया, ये सात, सात है तो सात का वर्ग करेंगे तो ये सर हो जाएगा 49। क्या मिल चुका, 49 मिल चुका है। ठीक है बच्चों, हमें तो निकालना एच स्क्वायर का मान, तो मैंने एच स्क्वायर को पहले लिखा बराबर, 121 अपनी जगह पर लिखाया हुआ है, ये जो 49 है वो इस साइड आया है, तो सर हमें मिल चुका है माइनस का 49। बिल्कुल सर यहां पर हमें मिल चुका है। चलो तो एच इसके बराबर, देखो न्यू स्लाइड में इसको कर दो, अच्छा यहाँ पर दिया ही नहीं, इसी जगह इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाओ इसी जगह इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पर सर ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 121 में हम 49 को हटा देंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 72। क्या मिलेगा, 72। हमें ऊंचाई याद करना, एच का मान निकालना है, अभी एच स्क्वायर का मान निकला है तो कैसे करेंगे, मुझे यहाँ पर ये स्क्वायर हटाना है। जब भी आपको स्क्वायर हटाना है आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे, वर्गमूल लोगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, लिख लो, लिख लो बिल्कुल, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। मैं यहां पर इसको सॉल्व करके बता देता हूं, बिल्कुल आ जाओ देख लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, देखो दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, यहां पर वर्ग पहले से बैठा हुआ और एक वर्गमूल आएगा तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो एच बराबर, एच बराबर क्या मिलेगा यहां पर सर, ये लग जाएगा 72। क्या लग गया, वर्गमूल 72 हो चुका। ठीक है चलो, अब इसको कुछ और सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या देखो क्या सॉल्व कर सकते हैं, 72 का हम क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखो मैं दो से इसको भाग दिया सर, ये जाएगा 36 बार में, दो से फिर भाग देंगे तो सर ये जाएगा 18 बार में, फिर से भाग दिया तो सर यहां पर ले जाएगा 9 बार में। ठीक है, अब यहां पर देखो 9 जो है वो 2 से भाग में जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर देखो यहां पर 3 एकम 3, हमने 72 का फैक्टर निकाल लिया, गुणनखंड निकाल लिया जो कि मिला है 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अब देखो अब बनाएंगे जोड़ा, पेयर बनाएंगे, दो दो का जोड़ा बनाते हुए चलेंगे, और जिसका जोड़ा बना वो वर्गमूल के बाहर में लिखाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बना वो वर्गमूल के अंदर ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखो इन दोनों का जोड़ा बना है और इन दोनों का जोड़ा बना है, लेकिन दो अकेला छूट गया, दो अकेला छूट गया, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है एक बार लिखाएगा, दोनों मिलकर बन जाएंगे एक, दोनों मिलकर बन जाएंगे एक, और एक बार लिखाएगा वर्गमूल के बाहर में, तो एक बार मैं लिखूंगा वर्गमूल के बाहर में दो, और उसके साथ गुणा में क्या लिखाएगा, दोनों, ये दोनों तीन मिलकर क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा, एक बार लिखाएगा गुणा में तीन, तो दो ती अच्छा है, दो ती अच्छा है, वर्गमूल में अभी भी क्या बचा हुआ है, अंदर में इसका जोड़ा नहीं बना है तो अभी भी दो बचा हुआ है। सर फाइनल आंसर हमें मिल चुका है, बिल्कुल बच्चों ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है कि सर उस शंकु की जो ऊंचाई है ना, उस शंकु की जो ऊंचाई है वो एच बराबर 6 वर्गमूल 2, ऊंचाई ज्ञात करना है तो यहां पर ये सर हो जाएगा सेंटीमीटर, किसमें, सेंटीमीटर में हो चुका, बिल्कुल हमने शंकु की ऊंचाई को पता चल चुका है। ठीक है, पूछा गया 2019 सेट एबीसी, तीनों सेट में 4 नंबर के लिए, कितने, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ भी दम नहीं है, फॉर्मूला जितना ज्यादा आप याद करोगे उतना ही इजी ये चैप्टर होने वाला है। चलो बढ़ते हैं, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्पीड करना भाई, क्योंकि बहुत बहुत प्रैक्टिस कर लिया, बहुत प्रैक्टिस कर लिया, थोड़ा सा स्पीड चलते हैं। चलो आ जाओ, चलो सर एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। आ जाओ देखो, यदि एक शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास यानी कि हमें पता है कि सर शंकु का जो आधार होता है वो वृत्त के शेप में होता है, और वृत्त का जो आधार वो होता है, आधार सॉरी आधार का व्यास सर ये होता है 2R, 2R बराबर हमें दिया गया 14 सेंटीमीटर, तो यहां से सर मुझे R बराबर पता चल जाएगा 7 सेंटीमीटर पता चल जाएगा। बिल्कुल सर हमने यहां पर निकाल लिए, उस शंकु का हमने त्रिज्या निकाल लिया आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया एच बराबर 24 सेंटीमीटर, क्या दिया है 24 सेंटीमीटर दिया गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर आर प्लस एल, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, आर का मान पता है, एल का मान पता है, पाई का मान भी पता है, सबको रख देंगे कैलकुलेट कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तथा आयतन भी ज्ञात करना है, आयतन सर ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान मालूम है, आर का मान मालूम है, एच का मान मालूम है, दिक्कत क्या होने वाली है, कुछ भी नहीं, आ जाओ बिल्कुल आ जाओ। चलो सबसे पहले यहां पर लिखो हल, देखो क्या क्या दिया है उसको पहले छापते जाओ। सर हमें दिया गया, दिया है शंकु के आधार का व्यास, दिया है तो यह दिया है शंकु के, शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास। ठीक है चलो, क्या दिया है एक बार बोल दो,
सर दिया गया 14 सेंटीमीटर, क्या दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। और सर हमें यह बात अच्छे से पता है कि शंकु का जो आधार होता है वो वृत्त के शेप में होता है, तो वृत्त का व्यास कैसे निकालते हैं, ये त्रिज्या का सर दो गुनी होती है, बिल्कुल दो गुना, ठीक है। तो बराबर ये हो चुका 14, 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14, 7 बार में पड़ गया, तो 7 बराबर r = 7 सेंटीमीटर, r बराबर त्रिज्या हमने निकाल लिया 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल बच्चों हमने यहां पर निकाल लिया, बहुत इजी। इसी क्वेश्चन को एक नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है कि किसी शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है, तब उसकी त्रिज्या बताइए क्या है, कुछ भी दम नहीं है, उसका आधा कर दो, मिल गया। चलो शंकु की ऊंचाई भी दे दी गई थी हमें, कितना 24 सेंटीमीटर, आ जाओ देख लो। चलो तथा शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई को इंग्लिश में बोलते हैं हाइट, तो हाइट का यानी कि एच, तो एच बराबर क्या मिला, हाइट सर दिया गया 24 सेंटीमीटर, बिल्कुल चुपका 24 सेंटीमीटर दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। हमें निकालना क्या है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बिल्कुल निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अतः शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर देखो फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है पाई आर, क्या होता है पाई आर, ब्रैकेट में आता है सर आर प्लस है, बिल्कुल चिपका दिया। पाई का मान सर हमें पता है, लिख दूं क्या 22/7, बिल्कुल लिख दो 22/7, ठीक है। आर का मान हमने अभी निकाला था सर, हमने आर का मान तो निकाला था 7, बिल्कुल 7 चिपका दिए, ब्रेकेट में आएगा आर का मान 7 है, और एल यानी कि एल का मान तो पता नहीं यार, एल का मान तो पता नहीं है। अच्छा तो थोड़ा सा बच्चों यहां पर सोचना पड़ेगा और रुकना पड़ेगा, देखो हम यहां पर फंस चुके सर, हमने एल का मान तो निकाले ही नहीं है, एल का मान कैसे निकालेंगे। तो बच्चों एल का मान जो है ना वो आपका तिर्यक ऊंचाई से निकलता है, कहां से, तिर्यक ऊंचाई से निकलता है। तो एक काम करेंगे, यहां पर इसको थोड़ा सा मिटाओ और हम पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से एल का मान निकालने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो आज आपको दिक्कत नहीं, अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। मैं दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, L = L² = क्या होता है बच्चों, ये होता है H² प्लस का ये होता सर R², तो L² बराबर आ जाओ दूसरे क्लास लेता हूं, ठीक है, अच्छा दिखेगा। तो L² बराबर, देखो अच्छे से बन क्यों रहा है हैंड राइटिंग, अच्छा हाँ ये बना, अच्छा L² बराबर देखो H² H का मान क्या है सर 24 है, तो 24 का वर्ग करेंगे सर ये मिलता है 576, क्या मिलता है 576 मिलता है। R² का मान सर है 7 और 7 का वर्ग करेंगे तो 7 × 7 = सर होता है 49, तो L² बराबर बच्चों ये मिलता है 576 धन 49 करेंगे तो 625, क्या मिला 625 मिला। तो देखो बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर L का मान, देखो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं L² बराबर 625 किसका वर्ग होता है बच्चों, ये होता है 25 का वर्ग, हमें निकालना है L का मान ना कि L² का, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर हमें मिलेगा 25। देखो बच्चों यहां पर जब भी हम वर्गमूल लेते हैं तो दो मान प्राप्त होते हैं, एक धन में और एक ऋण में, हमें धन वाले को ही लेना, क्यों, क्योंकि जो ऊंचाई होगी वो धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक में ऊंचाई हो ही नहीं सकती, हम क्या करेंगे उस L के मान को प्लस वाले मान को रखेंगे, इसका N एक जो मान होता है वो माइनस वाला भी आता है, लेकिन माइनस वाले को करना इग्नोर, आपको लेना है प्लस वाला। सर L बराबर हमें मिल चुका है, तिर्यक ऊंचाई हमें मिल चुका है कि 25 सेंटीमीटर है, बिल्कुल 25 सेंटीमीटर बच्चों हमने यहां पर निकाल लिया। हमें निकालना क्या सर, अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्या है, क्या बच्चों, पाई आर आर प्लस एल है, बिल्कुल यहां पर रख देंगे, आ जाओ देख लो, आ जाओ कौन सा कलर से लूं, इस कलर से लेता हूं। अतः शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो क्षेत्रफल बराबर क्या निकलेगा सर, इसका फॉर्मूला तो होता है, क्या होता है, पाई आर ना होता है, पाई आर फिर ब्रैकेट में सर ये होता है आर प्लस एल, सर पाई का मान तो पता है 22/7 होता है, चिपका दो, फिर गुणा में क्या है, गुणा में सर आर का मान कहां निकाला था, आर कहां गया, R = 7, बिल्कुल चुपकाओ 7, फिर ब्रैकेट में सर लिखेंगे आर का मान 7 है, और एल का मान सर यहां पर 25 है, क्या बच्चों 25 होने वाला है सर, 7 से 7 निपटा दो, क्या बिल्कुल निपटा दो, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा 22 गुना
25 और 7 को मैं जोड़ने वाला हूं तो सर हमें मिलेगा 32 का मिला, 32 मिला। चलो 32 का गुणा मैं 22 से करेंगे ना, तो 2 दूनी 4 हुआ, 2 3 6, फिर से एक बार लिखाएगा 4 और 6, फिर ये हो जाएगा 6 4 10, फिर हासिल में 704। क्या मिले बच्चों? 704, 704। क्षेत्रफल निकाल रहे ना, तो ये लिखाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, किसमें? वर्ग सेंटीमीटर में। हमने क्या किया अभी तक, निकाल लिया है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने यहां से अच्छे से बच्चों ज्ञात कर लिया है। चलो इसको करते हैं शेप में पैक, ये देखो आ जाओ। चलो क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, हमें एक चीज और निकालना है सर कि आयतन क्या होता है। आयतन बिल्कुल इसी स्लाइड में आपको मैं आयतन निकाल कर बता दूंगा, जाओ इसी जगह। चलो फिर से इस बोर्ड को बांटते हैं दो भागों में, अब निकालने वाला हूं मैं आयतन। क्या निकालूंगा? आयतन, ठीक है आ जाओ। दूसरे कलर के सुंदरता के साथ आ जाओ, पीले कलर लेता हूं। अब हमें निकालना है सर शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन यहां पर मैंने लिख कर रखा हुआ 1/3 πr² h, बस मान चिपकाना है। तथा शंकु का आयतन, तथा लिख लो, तथा शंकु का आयतन, तथा दिख रहा सब बच्चों को, तथा शंकु का आयतन बराबर, आयतन बराबर सर ये होता है 1/3 πr² h होता है। बिल्कुल सर ये होता है 1/3 को पहले लिखो, फिर गुणा पाई का मान, पाई का मान रख दूं क्या, 22/7। क्या होता है बच्चों? 22/7, बिल्कुल 22/7 हमने चिपकाया। फिर आर का मान, आर का वर्ग है तो आर का मान हमने निकाला था 7, तो 7 का गुणा हो जाएगा 7 से 2 बार, तो ये लिखा जाएगा 7 × 7। क्या हो चुका? 7 × 7। सर एच का मान भी पता है क्या? एच का मान पता है, एच का मान कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये एच का मान, एच का मान 24। क्या लिखोगे? 24। तो यहां पर हमने चिपकाया 24, ठीक है। 24 ऊपर में गुणा में ना, ध्यान रखना ऊपर में गुणा में है, ठीक है। चलो आ जाओ, 7 से सर 7 निपटा दिए, 3 + 3 और ये जो 24 है ऊपर में है, तो 8 × 3 हो जाएगा 24 बराबर। क्या क्या बचा ऊपर में? ऊपर में बचा सर 8 22 बचा है। फिर यहां पर क्या बचा है? 7 का गुणा करेंगे 8 से, तो यहां पर सर ये हो जाएगा 7 8 56, ठीक है 56। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो आगे सर इसको क्या सॉल्व करेंगे, बस गुणा करना है। देख लो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 56 का गुणा कर देते हैं 22 से, किससे? 22 से। तो 6 × 12 = 2 हासिल में आ जाएगा, 1 5 × 10 = 10 और 1 = 11, ठीक है। चलो फिर से एक बार हो जाएगा, तो 2 1 1 लिखा जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 1 1232। क्या मिला? 1232। क्या मिला बच्चों? 1232। 1232 सर इकाई क्या लिखे? इकाई 1232। हम निकाल रहे हैं बच्चों आयतन, और आयतन निकालते हैं तो घन लगता है, तो घन सेंटीमीटर, किसका? घन सेंटीमीटर, बिल्कुल। ये होने वाला हमारा फाइनल आंसर, क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा जो आपको 4 में से 4 अंक दिलाने वाले, पूछा गया था 2018 सेट ABC, तीनों सेट में पूछा गया था, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन को जब दिया जाए तो इस तरह से बकायदा हैंड राइटिंग बना के एकदम सही तरीके से लिखोगे, रिप्रेजेंट सही करोगे ना, तो पूरा में पूरा आपको नंबर मिलने वाला। चलो हमने दूसरे प्रश्न को भी समझ लिया, एक लास्ट क्वेश्चन रह चुका है, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देख लो। चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो 2017 सेट ABC, तीनों सेट ने पूछा गया था 4 नंबर के लिए, कितने? 4 नंबर के लिए। तो सर हम यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़ लें क्या, कि क्या दिया, क्या निकालना? बिल्कुल पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक शंकु का व्यास दिया गया, शंकु के आधार का व्यास दिया गया, और शंकु के आधार का जो व्यास होता है वो वृत्त के शेप का होता है, और उसका व्यास कैसे निकाल के हैं, तो 2r बराबर सर हमें दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो यहां से 2 से मैं निपटा दूंगा 6 बार में, तो r बराबर हमें मिल चुका है 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल सर, r का मान हमने यहां से निकाल लिया, ठीक है। ऊंचाई दिया गया है, h बराबर दिया गया 8 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 8 सेंटीमीटर हमें दिया गया, ठीक है सर। h का मान भी पता चल चुका, हमें निकालना क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सर इसका फॉर्मूला तो होता है πr(l), ठीक है। अब देखो यहां पर पाई का मान मालूम है, r का मान हम यहां से निकाल लेंगे, l का मान मालूम नहीं है, तो l का मान निकालने के लिए हम शंकु के त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला लगाते हैं, वहां से l का मान निकाल लेते हैं। फिर पूछा गया आयतन भी ज्ञात कर दो, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आयतन का फॉर्मूला सर ये होता है 1/3 πr² h होता है। पाई का मान मालूम है, आर का मान मालूम है, और यहां पर एच का मान भी मालूम है सर, 8 सेंटीमीटर। तो दिक्कत क्या है? बिल्कुल लिखने की जरूरत है, बस आ जाओ, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ भी दम नहीं है, आ जाओ। सबसे पहले यहां पर लिखो हल, देखो हल लिखा। चलो क्या क्या पूछा है और क्या ज्ञात करना है? सर हमें यहां पर दिया गया है कि शंकु का आधार का व्यास, तो इस बात को हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। दिया है, तो यहां पर यह हो जाएगा शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास,
और सर हमें पता है कि जो शंकु होता है ना, उसका आधार का जो व्यास होता है, जो आधार होता है वो वृत्त के शेप में होता है। तो व्यास बराबर बच्चों हमें दिया गया 12 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर सर दिया गया है व्यास। तो व्यास और त्रिज्या में रिलेशन बनता है कि सर 2r बराबर, जो व्यास होता है वो त्रिज्या की दो गुनी होती है। तो बराबर दिया गया 12 सेंटीमीटर। सर मैं 2 से मिटा दूं क्या, 2 कम 2 और ये निपट जाएगा 6 बार में। तो r बराबर हमें मिल चुका है 6 सेंटीमीटर। क्या मिला बच्चों? r बराबर सर हमें मिल चुका है 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल सर, शंकु की ऊंचाई भी हमें दे दी गई थी। शंकु की ऊंचाई बिल्कुल यहां पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। देखो शंकु की ऊंचाई, तो ऊंचाई यानी कि हाइट। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर देखो, h बराबर सर हमें दिया गया 8 सेंटीमीटर। क्या दिया बच्चों? 8 सेंटीमीटर दिया गया। हमें निकालना क्या था? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसमें हमें l की जरूरत पड़ेगी। और पाई का मान मालूम है, r का मान भी मालूम है, l का बस मान मालूम नहीं है। इसको निकालने का फॉर्मेट क्या होता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला लगाओ। बिल्कुल आ जाओ, तो हम यहां पर लिखेंगे अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मैं पहले वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा, जो कि बच्चों क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर सर, ये होता है प्लस का आर स्क्वायर। एल स्क्वायर का मान निकालना है बराबर एच का मान दिया गया था 8, तो 8 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 64, धन आर का वर्ग करेंगे, आर का मान क्या है 6, 6 का वर्ग करेंगे तो सर ये हो जाएगा 36। तो एल स्क्वायर बराबर, देखो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो बच्चों 64 और 36 को जोड़ेंगे तो सर हमें मिल जाएगा 100। तो एल स्क्वायर बराबर, अब जो 100 होता है सर ये 10 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 10 का वर्ग होता है। हमें निकालना है एल का मान, ना कि एल स्क्वायर। तो यहां पर वर्ग को हटाना है, तो वर्ग को जब भी हटाते हैं तो हम लेते हैं वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो यहां पर हमें एल के दो मान प्राप्त होते हैं, उसमें से केवल हम रखेंगे 10 सेंटीमीटर धन वाले मान को रखेंगे, ऋण वाले मान को नहीं रखेंगे। ठीक है, तो एल बराबर सर हमें मिल चुका है 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बिल्कुल आ जाओ, तो हम यहां पर लिखेंगे अतः शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, का क्षेत्रफल बराबर सर इसका फॉर्मूला तो होता है पाई आर। ये बिल्कुल होता है, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे अभी फिलहाल। देखो पाई की जगह मैंने पा रखा, ठीक है, आर, आर का मान क्या रखूं मैं? आर का मान चुपका दूं 6। ठीक है, एल का मान क्या निकाला थे? एल का मान सर हमने निकाला था 10, तो 10 का गुणा करेंगे 6 से, तो 10 छक्के हो जाएगा 60 पाई, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो किस में आएगा सर? ये आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। किस में आएगा बच्चों? वर्ग सेंटीमीटर में आने वाला है। ये होने वाला हमारा फाइनल आंसर, किसके लिए? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमें एक चीज और निकालना है, क्या सर? हमें शंकु का आयतन भी निकालना है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल, तो यहां पर लिखेंगे, देखो चलो बोरे को अपने दो भागों में मैं फिर से बना देता हूं, इसको मैं इस साइड आपको समझा देता हूं। ठीक है, आ जाओ चलो, तो यहां पर मैं लिखूंगा अतः शंकु की ऊंचाई, तथा शंकु का आयतन बराबर। चलो बच्चों फॉर्मूला बताओ क्या होता है सर? ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बिल्कुल, तो 1/3 सर पाई का मान अभी नहीं रखते, पाई का मान पाई रख देते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर, आर का मान कहां गया भैया? आर, तो आर का वर्ग करेंगे सर, ये होता है कितना होता है? आर का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, इसको अलग अलग लिखता हूं यार, 6 का गुणा होगा 6 से, एच का मान कहां गया? एच कहां गया, आठ है। ठीक है, ये हो चुका सर 8। बिल्कुल ठीक है, चलो सर 3 × 1 = 3 हो जाएगा और ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा का। बिल्कुल सर हो चुका। अब देखो 6 का गुणा करेंगे हम 8 से तो ये हो जाएगा 6 × 8 = 48। 48 का गुणा करूंगा मैं यहाँ पर 2 से तो 48 × 2 सर ये हो जाएगा 96। साथ में पाई भी है, यहाँ पर क्या लिखा था? आयतन, तो घन सेंटीमीटर। इसमें आ जाएगा घन सेंटीमीटर। ये होने वाला हमारा फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आज की इस क्लास में मैंने आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया, जो कि पूरा का पूरा
किससे से संबंधित है, आपके कोण से संबंधित है, शंकु से संबंधित होने वाला है। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने तैयारी कर लिए है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं गोले के बारे में बात करने वाला हूं, जहां पर फिर से मैं आपको बड़े क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगा, तीन नंबर या फिर चार नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में तैयारी करने वाला है। तो बिल्कुल आज जो मैंने पढ़ाया बच्चों, उसको अपने फेयर कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करिए और बार बार प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों तक शेयर करना है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।